दोस्तों सूर्यवंशी मूवी को लेकर पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखा जा रहा है और इसको लेकर आप सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है और सूर्यवंशी से जुड़े हर पल कुछ न कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं, कुछ न कुछ उनके फैंस पोस्ट करते ही रहते हैं और अपनी बेकरारी इस फिल्म को लेकर शेयर करते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज़। तो दोस्तों उन्हीं कुछ पांच कारणों के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, बता दें कि इस फिल्म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इस फिल्म को बज क्रिएट कर रही है वो ये है कि सूर्यवंशी में जो स्टंट सीन्स होने वाले हैं जिसमें अक्षय कुमार खुद करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हेलीकॉप्टर्स वाले सीन्स और बाइक रेस वाले सीन्स, बहुत तरह के सीन्स होंगे जिसको अक्षय कुमार साहब खुद स्टंट्स करते हुए नजर आए थे, तो इसको लेकर भी पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। वही दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाती है वो एक है मल्टी स्टार फिल्म होने का सबसे बड़ा सीक्वेंस। यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए तो ये फिल्म जो है सो मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, कटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस और बात कर ली जाए इतने बेहतर से बेहतर एक्टर आपको इस फिल्म के भीतर देखने को मिलेंगे, तो इन चीज़ों को लेकर भी क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ये फिल्म जो है सो टेरिस्ट स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें टेरिस्ट अटैक हुए थे, जिसको लेकर कुछ घटनाएं घटी थी जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है, बहुत सारी घटनाएं घटी थी जिसके पीछे का रीज़न तक पता नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसको लेकर इस फिल्म के भीतर भी चर्चा होगी, इस फिल्म को लेकर शॉर्ट टाइम स्टोरी में भी समझाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें होने वाली है जो कि आपको इस फिल्म के माध्यम से मालूम चलेगी, इसको लेकर भी क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस फिल्म को लेकर ये है कि इसमें अक्षय कुमार साहब काफ़ी टाइम के बाद एक पुलिस ऑफिसर का किरदार कर रहे हैं जो कि एक रियल पुलिस ऑफिसर का किरदार कर रहे हैं। जी हाँ, एक रियल पुलिस ऑफिसर का किरदार कर रहे हैं और इस जेनर में फिर से लौटकर एक बेहतरीन फिल्म आने जा रही है जो कि कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वहीं दोस्तों और सबसे ज़्यादा पांचवी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी को लेकर काफ़ी टाइम और काफ़ी अरसे के बाद अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक साथ इस फिल्म में देखने वाले हैं जो कि काफ़ी तरह के रोमांटिक सॉन्ग्स चिप से टिप टिप वर्षा पानी इस तरह के सॉन्ग को रीमेक करके बनाया जाएगा जो कि काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों इस बार काफ़ी कुछ खास होने वाला है सूर्यवंशी मूवी में। तो दोस्तों इस तरह से इस फिल्म को लेकर काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया गया है और इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा लोगों का नज़र है कि भाई ये फिल्म में इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है सोशल मीडिया पर जो कि आपको सोशल मीडिया पर जाकर देखने को मिल सकता है। हर जगह कहीं ना कहीं से अक्षय कुमार के फैंस हों या अजय देवगन साहब या रणवीर सिंह के फैंस हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस फिल्म से जो रिलेटेड पोस्ट करते ही रहते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, आपकी कितनी एक्साइटमेंट, आप किस तरह की इस फिल्म से किस कंटेंट को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लालायित हैं, किस चीज़ को लेकर आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।